और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं, और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। राहुल जी, बीजेपी तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए भैया, देखिए सीधी बात है, प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे भैया, और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती। अब देखिए, अब सुनिए, मैंने पार्ट ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं, और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा। अंत में मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारी विचारधारा में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, और जहाँ भी हमारा कोऑपरेशन हो सकता है मायावती जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी हम बीजेपी को हराने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, हम करेंगे। मगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है, और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। और आखिरी बात, मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है, कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है।